रियलिटी टीवी शो बिग बॉस ओटीटी 3 की शुरुआत बहुत ही धूम के साथ हो चुकी है और अनिल कपूर ने दर्शकों को उन 16 सदस्यों से मिलवाया है जो अब इस खेल का हिस्सा होंगे। पिछले सीजन में ज्यादा ड्रामा हुआ था, उससे ज्यादा ड्रामा तो इस सीजन के पहले ही दिन हो गया है। लेटेस्ट एपिसोड में आपने देखा कि सभी खिलाड़ियों ने अपना अपना वोट डाला और नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी की। अब जल्द ही हमें ये पता चलेगा कि कितने लोग निकलने वाले हैं बिग बॉस के घर से और जाने वाले हैं अपने अपने घर। बिग बॉस में काफी कुछ नया है और जहां दर्शकों को एक के बाद एक सरप्राइज मिल रहा है, तो वहीं खिलाड़ियों को भी इस सब को पार करना आसान नहीं है। झगड़े और तू तू मैमे अभी से शुरू हो गए हैं और कुछ ही हफ्तों में साफ हो जाएगा कि कौन पड़ने वाला है किस पर भारी। लाइव फीड में दिखाया गया है कि घर वालों ने पहला नॉमिनेशन कर दिया है, जिसके तहत उन्हें 2 तस्वीरों को डिस्कार्ड करना था जिन्हें वह शो से बाहर करना चाहते हैं। जहां दीपक चौरसिया को उनकी सेहत के चलते थोड़ी लिबर्टी मिली और उन्हें कन्फेशन रूम में आकर नॉमिनेशन करने को कहा गया, वहीं बाकी खिलाड़ियों को एक एक करके एक्टिविटी एरिया में आकर ये कन्फेशन करना था जहां पर उन्होंने नॉमिनेशन किया। क्योंकि यह एक प्राइवेट नॉमिनेशन था, इसलिए लोगों को इस बारे में एक दूसरे को बताने से लेकर मना किया गया था। लेकिन नॉमिनेशन एक इतनी बड़ी चीज है कि खिलाड़ी जाहिर तौर पर इसके बारे में बात करते ही हैं। फर्स्ट वीक में कौन कौन हुआ नॉमिनेट? डेंजर जोन में पहुंच चुके खिलाड़ियों की बात करें तो नॉमिनेशन के बाद सना मकबूल, सई केतन, चंद्रिका दीक्षित यानी आपकी वड़ा पाव गर्ल, विशाल पांडे, अरमान मलिक और उनकी पत्नियां पायल मलिक और कृतिका मलिक भी डेंजर जोन में हैं। अब क्योंकि ये कंटेस्टेंट की अपनी अलग फैन फॉलोइंग है, तो ऐसे में देखना होगा कि किस खिलाड़ी का सफर पहले ही हफ्ते में हो जाएगा खत्म। मालूम हो कि उर्फी जावेद भी अपने फर्स्ट वीक में ही एविक्ट हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद वो पॉपुलैरिटी मेंटेन करने में बहुत कामयाब रही।